नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में। सर्वोच्च समिति ने एक ऐसे रूल को लागू किया है जो कि नेम और शेम, इसके नाम से ये रूल लागू हुआ है। क्या है ये रूल और कैसे बचना चाहिए आपको? फ्रेंड्स, COVID-19 से निपटने के लिए जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने के लिए या फिर जो भीड़ भाड़ इलाके में है वहाँ नहीं जाने के लिए जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, जो लोग इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उनके फ़ोटो और नाम के साथ जो स्थानीय अखबार हैं, मीडिया हैं, जगह जगह के ऑफिस हैं, वहाँ पे उनके फ़ोटो को चिपका करके नेम और शेम, जी हाँ, आपकी बेइज्जती करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है। क्योंकि इसके डर से भी आप जो भी रूल और गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, जो कि कोरोना के प्रसार में बहुत बड़ी एक मील का पत्थर साबित होगी। लोग पैसे से नहीं डरते हैं लेकिन अपनी इज्जत से डरते हैं, इसलिए इस रूल को ज़रूर फॉलो करेंगे। सुरा में एक काउंसिल कार्यालय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है मंगलवार से ही, जो कि निजी क्षेत्रों में कैसे एक्सपेक्ट्स की छटनी पर और उससे निपटने के लिए क्या चुनौतियां आएंगी और इस संकट से कैसे समाधान पाया जाए, मानव संसाधन समिति की रिपोर्ट पर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। और ख़ास करके इस रिपोर्ट में जो छटनी के नतीजे आएंगे उसको कैसे ओमान सरकार निपटेगी, इस पर बहुत सी सिफारिशें भी आई हैं। लेकिन क्या ये छटनी जो एक्सपेक्ट की जो चर्चा में आ रही है कि भाई जो भी चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो या फिर आपका बांग्लादेश हो या फिर थाईलैंड हो या फिर और भी देशों के जो भी कामगार भाई इस समय ओमान में काम कर रहे हैं उनको जो निकाल करके उनके जगह पर लोकल ओमानी को रखने के लिए बात चली है, लेकिन क्या ये इतना आसान लगता है? क्योंकि जो भी कामगार वहाँ ओमान में काम कर रहे हैं वो सबसे पहले उतना स्किल, उतना डेडिकेशन, उतना पैशन, उतना एक्सपीरियंस और उतने कम पैसे में कोई ओमानी काम करने को रेडी नहीं होगा फ्रेंड्स, जितने कम पैसे में हम लोग वहाँ जा कर के काम कर सकते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था जब भी गिरती है तो सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है, जो आसानी से निशाना बनाया जाता है, वो है भारतीय या फिर वहाँ पे बसे हुए मजदूर, एक्सपेक्ट लोग, खारजी लोग, उनको निकालने की बात चलती है। लेकिन उनके जगह को क्या ओमानी से भरा जा सकता है? क्या उनके एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स, उनके डेवलपमेंट, उनके जैसी प्रोडक्टिविटी लोकल ओमानी दे सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, उतने कम पैसे में जो लोग वहाँ पे काम करते हैं, एक एक साल घर नहीं जाते हैं जब तक उनके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे तो नहीं लगता है कि जो एक्सपेक्ट को निकालने की बात हो रही है और उसके जगह पर लोकल ओमानी को काम देने की बात हो रही है, कि जो लोकल ओमानी काम करने के लिए आएंगे वो उतने कम पैसे में वो काम नहीं करेंगे जो काम हम लोग जा कर के 80 ओमानी रियाल से लेकर 250 ओमानी रियाल में हम लोग कर देते हैं। लेकिन लोकल ओमानी के बस की बात नहीं है भाई, इतने कम पैसों में ये काम कर पाना। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, आपके राय का इंतज़ार रहेगा।